दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है व्हाट्सएप बैंकिंग। अब आप अपने व्हाट्सएप पर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और आप यहीं से चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, चेकबुक का स्टेटस पता कर सकते हैं। आप यहीं से अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई कंप्लेन कर सकते हैं और आप यहीं से अपने बैंक अकाउंट का कस्टमर आईडी भी पता कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर वो भी आप यहीं से पता कर सकते हैं। सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के व्हाट्सएप बैंकिंग को कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नंबर जारी किया व्हाट्सएप बैंकिंग का, तो आप यहां पे देख सकते हैं। आपको जस्ट इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लेना, जैसे नॉर्मली आप सेव करते हैं उसी तरह इस नंबर को आपको सेव कर लेना है। नंबर आप देख सकते हैं 8433888777, इस नंबर को आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लेना है। तो उसके बाद इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से स्टार व्हाट्सएप बैंकिंग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह जो है डायरेक्ट जो है अपने आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट इसको ऑन कर लेता हूँ। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस अकाउंट, नीचे आपको जस्ट हाई लिख लेना है। जैसे पहले से हाई आया है तो आपको यहां पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अकाउंट सर्विस एक नंबर पे, तो जस्ट आपको वन टाइप करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने अकाउंट का यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए फिर से आपको वन टाइप करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस रहेगा यहाँ पे शो होगा और आपके बैंक अकाउंट का यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो होगा। उसके बाद फिर से आपको उसी पेज पे जाने के लिए स्टार्ट टाइप करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आप फिर उसी पेज पे चले जाएंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर मिनी स्टेटमेंट का, तो आपको 2 टाइप करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहीं से 5 मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको स्टार्ट टाइप करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। फिर से आप उसी पेज पे चले जाएंगे तो जैसे मैं उसी पेज पे आ गया हूं, यहां पे तीसरे नंबर पे आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चौथे नंबर पर आप चेकबुक का स्टेटस पता कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर है आपके बैंक अकाउंट में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर, वो भी आप पता कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ, सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेरे बैंक अकाउंट में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद फिर से मैं प्रीव्यू पे जाऊँगा, यानी कि स्टार्ट टाइप करूँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6वें नंबर पे आपके बैंक अकाउंट का कौन सा कस्टमर आईडी, वो भी आप यहीं से पता कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 6 टाइप करूँगा, सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट का यहाँ पर कस्टमर आईडी यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आपको मेनू में जाना है, तो मेनू में जाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे हैश टाइप करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे मेनू में आ गए हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। 2 टाइप करेंगे तो आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी।